आपके भरोसे पर खरे उतर कर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज जिला अस्पताल महाराजगंज में व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी लालसा देवी के इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर कमरा नंबर 09 में डॉक्टर उदय भान को दिखाने गया। डॉक्टर द्वारा पर्चा जमा कर बताया गया कि आप बाहर बैठिए, बुला लूंगा। जब कुछ देर बाद डॉक्टर को दिखाने का नंबर आया तो वहां बैठे डॉक्टर के पास पर्चा मिला। जिला अस्पताल में बिना जांच कराए मरीज को ले व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल का सहारा लिया। मालूम हो कि मेडिकल स्टोर के दलालों की वजह से जिला परेशान में मरीज आए दिन परेशान रहते हैं। महाराजगंज, जमजद खान की रिपोर्ट। यहाँ पे मामला, यहाँ पे एक घंटा में लाइन लगा के अपनी पत्नी की तबीयत खराब थी, यहाँ पे खड़ा कराया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पर्चा जमा कराया, डॉक्टर बताया कि अभी 10 मिनट बाद आइए, बाहर बैठिए जी। 10 मिनट वेट करने के बाद अभी बुला नहीं रहे, फिर मैं कहा कि डॉक्टर साहब नंबर आए तो आके कह रहे हैं पर्चा ही गायब हो गया। वहाँ 4-5 दलाल मेडिकल स्टोर के बाहर के दलाल यहाँ बैठ के वही पर्चा गायब कर दिए। पर्चा मेरा नहीं मिला, मैं परेशान हो गया, फिर यहाँ से इलाज नहीं कराऊंगा, सरकारी अस्पताल से जा रहा हूँ वापस। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर उदय भान। जिले में रहना नहीं देना इन लोगों को। अरे बात पब्लिकों के साथ ऐसा कैसे होता है? हम लोग क्राइम ब्रांच वालों के साथ ही हो रहा है। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर हैं वो वाली बात नहीं है जी। 3-4 पर्चा था ना जी जी जी, तो एक को अभी नीचे है, पर्चा का होता है इस वो पर्चा लेके चला गया वही आदमी है। तो सर ये बताइए, यहाँ कब से हैं ये लोग? यहाँ पे ये लोग कब से हैं? और ये पहली बार नहीं है इस हॉस्पिटल में? फोटो है मेरे पास सर, लेकिन आप तुमको शासन को भेजता हूँ और बात बताता हूँ डॉक्टर उदय भान की क्या औकात है। पर्चा गायब करा दिया, आधा घंटा एक घंटा तो पर्चा लगाने में लगता है। हम लोग सरकारी आदमी इतना ईमानदारी से पर्चा लगाते हैं, कोई धौंस नहीं जमाते हैं। ये लोग आने पे दलालों को लेकर बैठे हैं, धौंस जमा रहे हैं।